जय गौ माता मित्रों। तो आज हम गाय के गोबर से बनाई हुई सीट से एक और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये प्रोडक्ट का नाम हमने टेबल स्टैंड रखा है, टेबल के ऊपर रखने के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके अंदर हम हमारा मोबाइल भी रख सकते हैं, हम कोई भी हमारा जो कागज़ होता है, फाइल होती है, वो भी उसके अंदर रख सकते हैं। तो जब हम टेबल स्टैंड बनाएंगे तो उसकी माप साइज भी अलग अलग होती है, तो पहले तो उसके माप साइज ले लेंगे। देखिए इस तरह से हम उसको सारे कोणों की माप से ले लेंगे। तो मित्रों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जिन भाइयों को सीखना है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने की, तो ये वीडियो पूरा वॉच करना, कट कट कर ना देखना। अगर आप कटिंग करके देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को पूरा वॉच कर देना तो आपकी समझ में आएगा। और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट का आपको कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं सिखाता हूँ। मेरे पास तो कोई टाइम तो है नहीं, लेकिन मैं टाइम निकाल कर भी आपको सिखाता हूँ। देखिए इस तरह से हम उसका माप ले लेंगे, क्योंकि आजकल जड़फी ज़माना है, तो जड़फी ज़माने में तो किसी के पास टाइम तो है नहीं, लेकिन मैं टाइम काट कर आपको सिखाता हूँ। इस तरह से हमने पूरी तरह से माप से ले लिया है। अब उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग तो मैं बार बार वीडियो में ग्राइंडर से करता हूँ, ये तो आपको सभी को मालूम होगा, लेकिन भाई सीख लो, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट आपको कोई नहीं सिखाएगा। इस तरह से आप पैसा देकर भी ऐसी ऐसी प्रोडक्ट नहीं सीख पाएंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ, तो सीख लो। और जिन भाइयों को ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, तो हमने ये गोबर शीट का वीडियो दिया हुआ है, वो भी जाके देख सकते हैं। और डायरेक्ट प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें पहले शीट बनानी चाहिए और शीट के ऊपर काम करना चाहिए, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि यार ऐसे प्रोडक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी। तो डायरेक्ट तो नहीं बना सकते हो आप, लेकिन थोड़ी बहुत बना लेंगे। देखिए तो हमने पूरी तरह से एक एक पीस को कटिंग कर दिया है। अब उसको हम ज्वाइंट करेंगे। पहले हम फेविकोल नहीं लगाएंगे, पहले अकेला ही ज्वाइंट करेंगे एक एक चीज़ को, ताकि हमें कोई फेरफार हमें प्रोडक्ट में लगेगा तो हम उसको फिर से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह की हम प्रोडक्ट बनाएंगे। उसको ये प्रोडक्ट को हम टेबल के ऊपर रखेंगे, ताकि हमारे टेबल के ऊपर हमारा मोबाइल उसके अंदर रख सकते हैं, हमारा कागज जो होता है वो रख सकते हैं, हमारी कोई फाइल होती है वो भी हम उसके अंदर रख सकते हैं। देखिए तो ये पूरी तरह से हमने उसको माप साइज में तो कटिंग कर लिया है। अब उसको हम चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए हमें फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम उसको चिपकाएंगे। और ये काटकोना तो हमें बारंबार लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट एडिटेडी ना हो जाए, इसीलिए। तो अब उसको हम चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए हमें फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हमारे पास है, और आप भी कोई बनाओगे तो फेविकोल तो बाज़ार में मिल जाता है, तो ये ले लेना। तो इस तरह से हम फेविकोल उसके ऊपर चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से हम उसको चिपकाएंगे, एक एक भाग को हम चिपकाएंगे, एक एक कटिंग जो किया हुआ पीस है उसको हम इस तरह से हम चिपकाएंगे। और चिपकाने के बाद उसके अंदर हम काटखूना भी लगाएंगे, जैसे मिस्त्री काम कर रहा है वैसा हम काटखूना भी लगाएंगे। लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं आपको सिखाने के लिए, लेकिन तो भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का भला हो जाए और कोई भी भाई या बहन सीखे और बनाए, ऐसी भावना से मैं ये वीडियो बनाता हूं। और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट तो कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा और आपकी नज़र के सामने बनाऊंगा भी। देखिए तो इस तरह से हम एक एक पीस को फिट करेंगे, और साथ में हम टेप से माप भी कर लेंगे, ताकि कोई एड़ी टेढ़ी चीज ना रह जाए। अगर ये जो एड़ी टेढ़ी दिखेगी तो ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं दिखेगी, इसीलिए मैं
टेप से भी माप कर लेता हूँ, देखिए। तो हमने 3 कट का फिट कर दिया है। अब बारी आई है इसकी, तो उसको भी हमने चिपका दिया है फेविकोल से। इस तरह से हमें चिपकाना है उसके ऊपर, और चिपकाने के बाद हमें काटखूने लगा देना, ताकि हमें समझ में आए कि नीचे की साइड टेढ़ी है या ऊपर की साइड, तो हम उसको सीधा कर सकें। देखिए, तो ये 3-4 कट का तो हमने लगा दिया है। अब ये हम लगाएंगे, इस तरह से हम उसको लगाएंगे। तो ये लग के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। उसको हम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो फेविकोल हमने लगाया वो पूरी तरह से सूख जाए, वरना हम उसके अंदर स्क्रू लगाएंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए हम उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब सूख के भी रेडी हो गया है, अब उसके अंदर हम स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू लगाने के लिए एक ग्रिल मशीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास तो ये है, तो पहले हम सेट कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमें सेट करना है उसके अंदर, और सेट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा सेट करना, ताकि जो स्क्रू का जो ऊपर की साइज होती है वो अंदर तक डूब जानी चाहिए, वरना वो दिखेगी तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं दिखेगी। देखिए, तो इस तरह से हम उसको टाइट करेंगे पूरी तरह से, पूरा टाइट कर देना, ताकि जो हमने फेविकोल लगाया पूरी तरह से चिपक जाए, कहीं भी साइड में तिरार नहीं दिखनी चाहिए हमें। देखिए, इस तरह से ये जो कट होती है उसको भी हम ग्राइंडर की मदद से खींच लेंगे, पूरी तरह से प्लेन बना देंगे उसको। ये जो स्क्रू हमने लगाया वो दिखाई देता है, तो ये पूरी तरह से प्रोडक्ट बन के रेडी हो गई है। अब उसके ऊपर हम कलर करेंगे, पूरा कलर नहीं करेंगे, थोड़ा सा कलर ऊपर की साइड का कलर हम लगाएंगे। देखिए कितना सुंदर प्रोडक्ट है। इस तरह से हम उसके ऊपर की साइड कलर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये गोबर की है, नहीं, लेकिन गोबर की है, जैसे लकड़ी की प्रोडक्ट है ना, वैसी प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो ये जिन भाइयों को सीखना है, तो सीखने के लिए तो टाइम लगता है, तात्कालिक तो कोई नहीं सीख सकता है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड भी होना चाहिए। जब हम थोड़ा सा माइंड हमारा काम करेंगे तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन तो हमारा माइंड थोड़ा सा इसके अंदर आ जाएगा, तो हम पूरी तरह से कोई भी चीज़ हमें बनानी है तो हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम वाइट कलर लगा देंगे पहले तो उसके ऊपर, बाद में हम कोई भी कलर करेंगे। और जो भी आपको मनपसंद कलर करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन हमने तो पहले तो हम वाइट कलर ही लगा देंगे। देखिए, तो हमने पूरी तरह से वाइट कलर लगा दिया है। मैं कौन सा कलर यूज़ करता हूँ वो भी मैं वीडियो में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो आप। देखिए, तो ये वाइट कलर हमने लगा दिया है। अब उसके ऊपर हम अलग अलग कलर लगाएंगे, आपको जो सा है वो कलर लगा सकते हो, लेकिन मुझे जो पसंद आता है वो कलर मैं लगाता हूँ। तो मैं पहला रेड कलर लगाऊंगा, क्योंकि कलर मनपसंद की कोई भी अलग अलग होती है, कोई किसी को येलो गमता है, किसी को कोई भी कलर ले सकते हो, लेकिन मुझे ये गमा, तो मैं ये लगाऊंगा। तो मैं पहले रेड कलर लगा दूंगा पट्टी के ऊपर। इस तरह से हमें रेड कलर भी लगाना है, देखिए आप। और जो भी मैं करता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपकी नज़र के सामने दिखाता हूँ। देखिए, मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करता हूँ, जो भी सिखाता हूँ और बनाता हूँ मैं, वो आपकी नज़र के सामने रखता हूँ। देखिए, तो इस तरह से हम रेड कलर पहले लगा देंगे। तो एक साइड तो हमने रेड कलर पूरी तरह से लगा दिया है, अब दूसरी साइड की बारी आई है, उसके ऊपर भी हम अलग कलर करेंगे। इसके ऊपर हम नीला कलर लगाएंगे, आपको जो चाहे वो आप बनाओगे प्रोडक्ट, आपको जो चाहे वो लगाना कलर,
लेकिन मुझे ये पसंद है तो मैं ये लगाऊंगा। और ये हमारा ये वीडियो आपको जैसा अच्छा लगे तो भी हमें कमेंट करना, और बुरा लगे तो भी हमें कमेंट करना, तो हमें पता चले कि हमारी कोई भूल होती है तो हम सुधार के आपको बताएंगे, और नई प्रोडक्ट लेके आएंगे तो वो थोड़ी सी भूल होगी तो हम आपको बताएंगे कि हाँ गलती से ये कुछ हो गया है। देखिए तो इस तरह से ये नीला कलर भी हमने लगा दिया है उसके ऊपर, और कलर लगाने के बाद तो ये प्रोडक्ट अच्छी दिखने लगेगी, क्योंकि गोबर किसी जैसी होती है, कलर लगाएंगे तो बहुत खिलता है कलर उसके ऊपर। और ये हमने येलो कलर भी लिया है, देखिए। अब एक साइड की बारी है तो उसके ऊपर हम केसरी कलर लगाएंगे, देखिए। और मैंने एक फैसला किया है कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा, फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, यूट्यूब के अंदर मैं लाइव आऊंगा और लाइव से मैं आप सभी को सिखाऊंगा, बहुत जल्द सिखाऊंगा। देखिए तो ये कलर हमने लगा दिया है। अब सामने की साइड है तो ये अकेली तो साइड अच्छी नहीं दिखती है, इस तरह का डायमंड है हमारे पास, तो ये डायमंड हम उसके ऊपर की साइड लगा देंगे ताकि और भी हमारी प्रोडक्ट को अच्छा दिखने लगे। देखिए इस तरह से हम लगाएंगे, तो हमने पूरी तरह से लगा दिया है डायमंड, देख सकते हो आप। अब उसके ऊपर हम ग्लास लगाएंगे, ये छोटे छोटे ग्लास है, ये माप साइज करके तीनों ग्लास लगा देंगे, उसकी प्रती साइड में भी हम डायमंड लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम लगाएंगे उसको, तो पहले हम फेविकोल से उसको चिपका देंगे ग्लास को, इस तरह से हम उसको चिपकाएंगे। और उसकी प्रती साइड किनारे पे हम डायमंड लगाएंगे, ये थोड़ा बड़ा डायमंड है और अच्छा दिखाव भी आएगा इसको लगाने से, देखिए इस तरह से। के साइड में हम डायमंड लगाएंगे इस तरह से, ये भी मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने उसके ऊपर यूज़ कर लिया है, देखिए। और ये भी आजकल मार्केट के अंदर मिल जाता है, इस तरह से हम एक एक डायमंड लगाएंगे, देखिए। तरह से उसको हम दबा देंगे, तो ये हमने तीनों ग्लास पे लगा दिया, कितनी अच्छी प्रोडक्ट बन गई है। तो ये हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस तरह से हम उसके अंदर मोबाइल भी रख सकते हैं, देखिए, और वहाँ पर्स पड़ा रहेगा, कागज़ पड़े रहेंगे, हमारी फाइलों पड़ी रहेगी, और टेबल के ऊपर हम उसको रख सकते हैं, देखिए। तो हम हमारे वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।